सिंस वी हैव टाइम, एग्जाम को बहुत देर है, तो वी कैन डिस्कस वन स्मॉल एग्जाम्पल, इज अबाउट सहारा, विदाउट एनी प्रेजुडाइज माइंड टू एनीबडी. सुब्रत रॉय, हु इज बिहाइंड द बार राइट नाउ, उसने क्या किया था, एक्चुअली देर इज अ रूल. अच्छा एक सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ सिक्स एक्सेप्शन, वन ऑफ द एक्सेप्शन इज बैंक. वहां पे लिखना तो लिख दो, ओनली बैंक, नो एनबीएफसी. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आर नॉट एक्सेप्शन. बैंक मतलब लिटरली अ बैंक, एनबीएफसीज आर नॉट बैंक. दूसरी चीज, अभी सेबी, सेबी का रूल है एनीबडी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मोर देन 1 करोड़. लोन नहीं है, लोन नहीं है, I'm talking about deposit. Anybody accepting deposit from public of 1 crore or more than 1 crore, that person has to compulsorily register itself with SEBI as NBFC and with RBI also. Anybody accepting public deposit of 1 crore or more, that person has to register itself with SEBI and RBI as an NBFC, non-banking finance company. So Sahara ne kya kiya? First of all, Sahara actually सहारा का जो पैसा है 20,000 करोड़ इज एक्चुअली एवरी वन नोज क्या है, इज बेसिकली ब्लैक मनी ऑफ यूपी के मिनिस्टर्स. वो भाई साहब बरसों से यही काम करता है, ही कन्वर्ट्स ब्लैक मनी इनटू व्हाइट. यूपी के मिनिस्टर का इज अ राइट हैंड काइंड ऑफ अ थिंग. ही हैज गॉट वन फुटबॉल स्टेडियम ऑफ हिज ओन, ही हैज गॉट वन प्राइवेट एयरपोर्ट ऑफ हिज ओन, प्लस एयरलाइन तो है ही, बहुत पैसा है. लेकिन नाउ इज ट्रैप. नाउ व्हाट ही डिड इज दैट, अभी यूपी के मिनिस्टर का पैसा है तो पूरा का पूरा ब्लैक मनी है. तो व्हाट ही डिड, ही वांटेड टू इन्वेस्ट दैट 20,000 करोड़. तो उसने एफडी रिसीप्ट निकाली. फर्स्ट ऑफ ऑल ही फ्लोटेड डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल 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 फर्म्स एंड एलएलपी, एक सहारा स्टार, एक सहारा परिवार, एक सहारा इंडिया, एक सहारा दिस, ऐसे करके ही सेटअप 20 डिफरेंट पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी एंड सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख के कोई चक्कर में पड़ जाएगा, इतनी सारी कंपनीज, None of them were company except of one main company, Sahara, Sahara Limited. Baki sari partnership firms and LLPs and sole proprietary concern. And SEBI issued a notice to Sahara ki you have not registered yourself as NBFC. So why penalty should not be imposed on you? SEBI ne Sahara ko notice bheja. And Sahara was so damn blunt aur pura proper planning ke saath with a प्रोफेशनल ओपिनियन पूरा प्लान आउट किया था. तो सहारा सिंपली रिप्लाइड बैक टू सेबी दैट मिस्टर सेबी, यू आर द अथॉरिटी टू कंट्रोल ओनली कंपनीज इन इंडिया, वी आर नॉट अ कंपनी, सो यू हैव नो अथॉरिटी टू इश्यू अ नोटिस टू अस, यू डोंट हैव अथॉरिटी ओनली, सो यू प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस पिक्चर. वी आर पार्टनरशिप फर्म्स एंड एलएलपी और सोल प्रोप्राइटरी, यू कैन कंट्रोल और यू कैन इश्यू नोटिस ओनली टू कंपनीज एंड दैट टू लिस्टेड कंपनीज. वी आर नीदर लिस्टेड कंपनी नॉर आर वी ए कंपनी, तो बीच में तुम पढ़ो ही मत. सेबी ने नोटिस, सेकेंड नोटिस भेजा कि नहीं, एनीबडी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ 1 करोड़ और मोर फ्रॉम पब्लिक, दैट पर्सन हैज टू रजिस्टर एज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी. तो तुमको कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवाना ही है, यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज कंपनी. तुमने नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं कि वी डोंट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर यू, वी हैव अ ज्यूरिसडिक्शन ओवर यू, वी विल इश्यू नोटिस. सेबी ने बोला है पूरा 20,000 करोड़ हमारे पास सबमिट करो, पूरा 20,000 करोड़ जिधर से लिया रिटर्न बैक करो. सेबी ने ब्लंटली रिप्लाई दिया कि नहीं, हम कुछ रिटर्न बिटर्न नहीं करेंगे, कुछ नहीं, वी आर नॉट कंपनी, यू डोंट एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन ओवर अस, तुम बीच में पढ़ो ही मत, वी आर जेन्यून पीपल. सेबी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, ये देखो इसने मेरे को मारा. सेबी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट कि इसको सर आप थप्पड़ मारो इसको. तो सुप्रीम कोर्ट इश्यूड अ नोटिस टू सेबी, अरे सुप्रीम कोर्ट इश्यूड अ नोटिस टू सहारा कि वॉट एवर सेबी इज सेइंग इज करेक्ट, यू हैव टू रीपे बैक दिस 20,000 करोड़ प्लस पे पेनल्टी ऑल्सो, यू हैव टू रीपे बैक. तो अभी सहारा रिप्लाइड बैक के सर वी आर वेरी स्टेबल कंपनी, वॉट एवर 20,000 करोड़ वी हैव कलेक्टेड, वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, हमने प्रॉपर्टीज खरीद के रखी है, तो वी कांट रीपे बैक इंस्टेंटली, हम रीपे बैक कर ही नहीं पाएंगे. जब भी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 20,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, उतनी सारी प्रॉपर्टी रातों रात बेचना पॉसिबल नहीं है, आप हमको टाइम दो. तो सुप्रीम कोर्ट से ओके 3 मंथ्स, वी आर गिविंग यू 3 मंथ्स. सहारा अग्रीड के ओके विल रीपे बैक 3 मंथ्स. 3 मंथ्स खत्म हो गए, सहारा रिक्वेस्टेड फॉर एक्सटेंशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 3 महीने दिए. थर्ड टाइम वंस अगेन सहारा रिक्वेस्टेड फॉर एक्सटेंशन, तीन तीन बार, चार चार बार एक्सटेंड किया, थ्री 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 थ्री, ऐसे करके 1 साल चला गया.
आफ्टर वन ईयर वॉज ओवर सेबी अगेन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट के सर अभी इसको एक्सटेंशन मत दो, दीज पीपल आर फूलिंग अस, ये कुछ कुछ नहीं कर रहा, इज नॉट सोल्ड अ सिंगल प्रॉपर्टी, हाउ इज ही गोइंग टू रीपे बैक। उतने में सार आने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा एंड न्यूज पेपर में एड दे दिया बड़ा बड़ा दैट वी हैव ऑलरेडी रीपेड बैक। अच्छा, सबसे पहले सेबी ने उसका एफडी का ऑडिट करवाया, इन द मीन टाइम सेबी इंस्ट्रक्टेड फॉर ऑडिट, फिक्स डिपॉजिट ऑडिट, ऑडिट वॉज गिवन टू ईवाई अर्नस्ट एंड यंग। ईवाई पीपल वर शॉक्ड टू सी दैट ईच एंड एवरी डिपॉजिट रिसीव, एफडी रिसीव, 99.99% एफडी रिसीव्स वर फॉर 19,999 कैश। तो ईवाई वॉज ऑल्सो शॉक, प्राइमा फेसिली एवरीथिंग वॉज ब्लंडर्ड टॉप टू बॉटम ओनली फॉर इवेडिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ। 20,000 के ऊपर लिया सार है तो पेनल्टी लगेगा अंडर इनकम टैक्स, तो दे वेरी स्मार्टली प्लान्ड आउट अ थिंग, हर एक डिपॉजिट 19,999 एंड देन ईवाई रिपोर्टेड बैक टू सेबी के पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम सब बोगस लग रहा है, बिकॉज इन द नेम ऑफ द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर के नाम में, इन द नेम ऑफ द डिपॉजिटर सब में क्या लिखा है, हर एक एफडी रिसीव में, जस्ट इमेजिन 20,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 19,999 पर पर्सन, तो कितने बोगस लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। तो ईवाई पीपल ऑडिटेड से हर एक एफडी में लिखा तन्नू मन्नू चन्नू चीकू फीकू टीकू, ऐसे नाम लिखे, लिटरली सच नेम्स वर रिटन, टू चीकू टू पप्पू, सारा से यूपी में यही नाम चलता है एंड इट्स अ प्रेस्टिजियस नेम, पप्पू मीन्स बड़ा आदमी, पप्पू मुंबई में पप्पू मीन्स पप्पू, दिस नेम इज यूज वेरी पॉपुलरली फॉर सम पॉलिटिशियन ऑल्सो, नाम आई वुड नॉट वॉन्ट टू नेम एनी, यूपी में से प्रेस्टिजियस। ओके, एड्रेस समझो मुंबई का एड्रेस है तो एटलीस्ट तीन चार लाइन का एड्रेस होना चाहिए, तो एड्रेस में क्या लिखा, सब एड्रेस में M50 मुंबई 50 थाने 56 दैट्स इट। तो ईवाई पीपल वर लाइक शॉक, बोला थाने 56 मतलब व्हाट, एड्रेस किधर रहता है, किसको कांटेक्ट करने का। तो सारा पीपल रिप्लाइड बैक के डोंट वरी, हमको सब याद है, हमारे सब इधर पूरा यूपी हमारे पास आता है तो सबका एक एक तो रहेगा, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ यूपी डिपॉजिट्स विद अस, सो वी नो एवरीवन पर्सनली, डोंट वरी अबाउट। तो एक साल हो गया एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, फाइनली सुप्रीम कोर्ट सेड नहीं बस बहुत हो गया, अभी तुम्हारी प्रॉपर्टी हम अटैच करें तुम जेल में जाओ। तो इमीडिएटली सुब्रत रॉय पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट एंड रिप्लाइड बैक टू सुप्रीम कोर्ट के सर हमने ऑलरेडी रीपे कर दिया, पूरा रीपे कर दिया, 25,000 करोड़ इंटरेस्ट के साथ रीपे कर दिया, गया खत्म हो गया, फुल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट सेड तुमको रीपे करने को किसने बोला था, यू आर सपोज टू डिपॉजिट दिस अमाउंट विद सेबी, तुमको बोला था सेबी के पास डिपॉजिट करो, रूल इज दैट कि इन सच सिचुएशन सेबी हैज टू टेक ओवर द चार्ज, सेबी विल कलेक्ट एंटायर फंड्स फ्रॉम सहारा, सेबी विल फाइंड आउट हु ऑल आर द डिपॉजिटर एंड सेबी विल फाइंड देम आउट एंड रीपे बैक टू देम। और जैसे ही सुब्रत रॉय को पता चला कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज दे नो प्रीटी वेल कि अगर सेबी ने हाथ में लिया ना मैटर तो डिपॉजिटर तो कोई है ही नहीं, यूपी के मिनिस्टर्स का ब्लैक का पैसा है। तो रूल इज दैट वे दैट सेबी विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ 20,000 करोड़ या प्रॉपर्टी ऑफ 20,000 करोड़, और अगर डिपॉजिटर नहीं मिला तो दैट विल गो इन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड, पूरा का पूरा 20,000 करोड़ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाएगा। तो सारा तो डर गया, बोला मिनिस्टर का पैसा है उसको देना तो पड़ेगा, मिनिस्टर मार डालेगा, मिनिस्टर का पैसा देना तो पड़ेगा ना, आई यू अंडरस्टैंडिंग, ओके। बट ऑन दी अदर हैंड तो सहारा हैड टू कंपल्सरली मेक दिस स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट से नहीं बॉस तुमको रीपे करने को कौन बोला, भले रीपे कर दिया सेबी को फिर से पे करो, यू डिपॉजिट विद सेबी, सेबी विल डू द नीडफुल, सेबी विल कॉन्टेक्ट दोज पीपल, बट सुब्रत रॉय सेड पर वी हैव ऑलरेडी रीपेड, हम सेबी को क्यों दे पर। सुप्रीम कोर्ट से तुमको बोला किसने रीपे करने को, यू हैव टू डिपॉजिट विद सेबी, पहले डिपॉजिट करो बाकी बात बाद में, यू नॉट डिपॉजिट अ सिंगल पेनी। तो सारा रॉय से ठीक है सर 3 महीने का टाइम दो, सुप्रीम कोर्ट से लास्ट टाइम दे रहे अभी जेल में जाना पड़े, एंड देन आफ्टर 3 मंथ्स फॉर ओवर अगेन ही ब्लंटली डिमांडेड फॉर 3 मोर मंथ्स, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला अभी, देन ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट एंड फाइनली ही इज इन तिहार जेल में, तो भी ब्लंटली इज अप्लाइंग फॉर बेल, मैं जब तक अंदर है मैं 1 रुपया रीपे नहीं करूंगा, आई कैनॉट रीपे, हाउ डू आई सेल माई प्रॉपर्टीज, I cannot.
यू हैव टू लीव मी, मेरे को बेल पे बाहर जाने दो, मेरे को जाने दो, बाद में मैं प्रॉपर्टी बेच, मेरे को लेट मी गो टू लंडन। लंडन कोई गया तो आज तक वापस नहीं आया, ललित मोदी विजय माल्या। बोला मेरा लंदन में होटल है 10,000 करोड़ का, वो लेट मी सेल दैट होटल, एटलीस्ट उसमें से 10,000 करोड़ तो आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो जो यू आर सेइंग यू ऑलरेडी रीपेड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रीपेमेंट, किधर से रीपे किया, यू रीपेड नो, व्हाट इज द सोर्स, विच प्रॉपर्टी हैव यू सोल्ड, यू हैव एंड सोल्ड योर लंडन बेस्ड होटल, यू हैव एंड सोल्ड योर इंडियन प्रॉपर्टीज, तो लाया किधर से, 20,000 रीपे कैसे किया, एंड इट हैज टू बी रीपेड बाय चेक ओनली। तो सुब्रत रॉय से, तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को पहले बाहर जाने दो, मेरे को बाहर जाने, गर्मी लग। सुप्रीम कोर्ट सेड नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ यू टू गो आउट ऑफ द जेल, यू कैन कॉल योर प्रोस्पेक्टिव बायर, यू कैन सेंड योर स्टाफ टू लंडन एंड एग्जीक्यूट द डील, साइनिंग के लिए पेपर इधर आ जाएगा, तुम जेल में बैठे बैठे साइन करो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, वी डोंट फाइंड अ सिंगल गुड रीजन। एज यूजल देनी मेरा एप्लीकेशन के, ठीक है मैं बीमार हूं, मेरे को हॉस्पिटल में लेके जाओ, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं, डॉक्टर इधर आ जाएगा, फिर बाहर जाने की जरूरत। तो दैट वॉज अ मैटर, सो वेरी प्रॉपरली प्लान्ड आउट अ थिंग। हाँ, दैट श्रद्धा स्कीम वॉज कोलकाता बेस्ड थिंग, दैट वॉज प्रॉपर पॉन्जी स्कीम ओनली। इनफैक्ट पीपल से दैट इवन दैट, वो जो मोबाइल का स्कीम था ना, स्मार्टफोन 451 रुपीज, दैट वॉज, आई डोंट नो, समबडी वर डिलीवर्ड ऑल्सो नॉट, जून में दे वर टू बी डिलीवर्ड, आई डोंट नो, एनीवेज ऐसे मेनी पीपल डू दिस, करेक्ट। कमिंग बैक, सर्टन